क्वेटा बलूचिस्तान डायमंड जुबली जश्न आज़ादी के मौके पर बलूचिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन का एक रोजा स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। डायमंड जुबली जश्न आज़ादी फेस्टिवल में बच्चियों ने वेलकम परफॉर्मेंस से मेहमानों का वेलकम किया। चार गेम पर मुश्तमिल फेस्टिवल में थ्रो बॉल, टेक बॉल, वॉलीबॉल और कराटे शामिल थे। फेस्टिवल के हवाले से बलूचिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन की सदर मिस अख्तर साहिबा का कहना था कि आज हम यहाँ पर डायमंड जुबली पाकिस्तान मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें हम चार आइटम्स करवा रहे हैं, जिसमें थ्रो बॉल है, वॉलीबॉल है, टैग बॉल है और साथ में कराटे का आइटम है। और हमारी बच्चियाँ हैं, छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ जो टेम्पो वगैरह पेश कर रही हैं। हमारा मकसद एक पैगाम पहुँचाना है आज़ादी के हवाले से कि हमारे यंग जनरेशन को हमने एक्टिव करना है, अपने स्कूलों को, अपने कॉलेजेस को, अपने यूनिवर्सिटीज़ के अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को हमने इस काबिल बनाना है, उनको एक्टिव रखना है कि वो अपने मुल्क के लिए और अपने सूबे के लिए काम कर सके। और दूसरी बात यह है कि दूसरे ऐसे स्पोर्ट्स में आकर, यहाँ पर आकर इन मैदानों को आबाद करके वो बीमारियों से और माशरती बुराइयों से खुद भी दूर रहे और इस पैगाम को हर घर हर जगह तक पहुँचा सके। बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हमें मौका फराहम करे तो हम पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर उजागर करेंगे। वॉलीबॉल फीमेल का इजहार ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है, मैं बलूचिस्तान वॉलीबॉल गर्ल्स टीम की कैप्टन हूँ। आज हमारा मैच हो रहा था 14 अगस्त के हवाले से, यहाँ पर डिफरेंट सारे गेम हो रहे थे जो कि थ्रो बॉल भी था और कराटे वगैरह भी थे, लेकिन आज हमारे हजारा टाउन के साथ हमारी मैच हो रही थी और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह विन कर लिया और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस जारी रखेंगे और विन करेंगे। मेरी गुजारिश है ऑल गर्ल्स से जो बलूचिस्तान में रहती है, मेरी बहनें, वो भी आके यहाँ पर ज्वाइन करें हमें और हमारे साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, हमारे बलूचिस्तान को जो है वो आगे प्रमोट करें, इंशाल्लाह हम नेशनल लेवल पे भी जीतेंगे। आज जो 14 अगस्त के सिलसिले में जो टूर्नामेंट हुआ है और ये थ्रो बॉल, वॉलीबॉल और मुख्तलिफ गेम्स का इख्तितामी तकरीब था, मैं मिस अख्तर साहिबा का, इमरान साहब का जो हमारे डायरेक्टर है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, और बिलाल अशरफ काकड़ साहब का और हमारे सीनियर खिलाड़ियों का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों और बच्चियों के लिए इतने अच्छे इवेंट करवाए और जश्न आज़ादी के मुनासिबत से बच्चों में ये शऊर और आगाही आई कि 14 अगस्त जो हम लोग मनाते हैं ये हमारे बहुत मुश्किलों से, ये 14 अगस्त का आज जो दिन है वो हमें नसीब हुआ है और इंशाल्लाह हम ये जश्न आज़ादी इन्हीं बच्चों को उजागर करने के लिए मनाते रहेंगे और इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मेरा नाम अब्दुल हुसैन हज़ारा है, हज़ारा टाउन से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज ये जो मैच हो गया है 14 अगस्त के तवसत से हुआ, बहुत अच्छा हुआ है, इसको होना चाहिए हमेशा, हर वक्त होना चाहिए। खुसूसन ये जो लेडीज़ वॉलीबॉल है मैच है, इसको जो है ना इजाफा करना चाहिए, बलूचिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। फेस्टिवल के इख्तिताम पर रनर अप और विनर्स में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन अमीन बड़ेज के साथ लबरैन बलोच, एबी न्यूज़ क्वेटा।